बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। भाई जैसे थोड़ी देर पहले एक भजन सुनाया था शंकर भगवान का, उससे ही लगभग ये मिलता जुलता भजन कि जब गौरा माँ भोलेनाथ के लिए भांग लेके जाती है तो उस रोज भोलेनाथ ने वो भांग पी तो भोलेनाथ को नशा नहीं हुआ। समझ गए भोलेनाथ कि आज कोई चालाकी गौरा माँ ने कर दी है। किस तरह से गौरा से सवाल करते हैं कि गौरा आज मुझे तेरी भांग में स्वाद नहीं आया, मुझे ऐसे लगते जैसे तू आज नकली भांग ले आई है। तो किस तरह से गौरा माँ भोलेनाथ को कहती है और भोलेनाथ किस तरह से समझा रहे हैं गौरा माँ को, आइए सुनिए इस भजन के माध्यम से। अरे ओ गणेश की मम्मी सुने है के, अरे एक मिनट मेरी सुन पहले, किस खबर में खुरी है की बात है। आज कैराना क्षेत्र में आ रही है घूमने के लिए, इसका मतलब ये नहीं तू भोलेनाथ को भूल जावे। नहीं, और पता क्या बात है? बात ये है कि आज जो तेने मेरे खातिर भांग दी थी हाँ? उसमें जो रोज की तरह स्वाद था आज वो स्वाद नहीं है, मुझे तनक भी नहीं चढ़ी और मुझे तेरी बिल्कुल नकली भांग लगी है। ऐसी बात नहीं है, वो असली भांग थी। गौरा सच सच बता, तुझे तेरे पति भोलेनाथ की कसम है? तेरी कसम सच्ची है। मुझे ऐसे लगे बाबा रामदेव के पतंजलि से तो भांग को नहीं ले आई है। असली भांग मेरे कैलाश पर्वत की ऐसी नहीं है। और एक बात बताऊं, ओरिजिनल भांग है मेरे कैलाश पर्वत की। मैं तेरे बाप की नौकर ना लग रही जो तुझे भांग घोट के दूंगी। देखा आई समझ में? देखा भक्तो, पता पड़ गया कितने साल खानदान की है गौरा बावड़ी। उस दिन को याद कर जब गंगा जी के कंठारे पे एक पंप पे खड़ी होकर निकल भोलेनाथ कैसी कर मुझसे शादी कर ले, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करूं हूं। बावड़ी एक बात बताऊं, तुझे पता है चार आदमी देख रहे भोलेनाथ की बेइज्जती कर रही है। भोलेनाथ की तो सदा बेइज्जती हो, तू चिंता क्यों कर रहा है? अर्सन जैसे तू हाथ लगा रही है मेरा सांप देख रही है गले में दिख रहा, ये भोलेनाथ को तनक भी दिक्कत नहीं आने देता है, तुझे खा जाएगा भी। यो कुछ भी ना करे, मैं कह रही हूँ गणेश के पापा हाँ। देख सच्ची में वो असली भांग थी? असली नहीं थी, बिल्कुल असली थी। मुझे ऐसा लगा किसी पड़ोसी के घर चली गई दिखे या वो जो नशा मुक्ति केंद्र के दौरे चली गई दिखे, तो के बोले की भांग इस तरह छुटेगी, भांग नहीं छोड़ सकता मैं। हाँ। मेरी बात सुन, तू भांग नहीं छोड़े तो मैं अपने पीहर चली जाऊंगी। पीहर चली जाएगी? हाँ चली जा, जाऊं जा बिल्कुल, निकल ले रात रात में निकल लेगी बहुत दूर, जाऊं ईखन का जंगल है बावड़ी कदी। भाई गौरा तो बिल्कुल चढ़ा कर, तुझे पता मैं कैलाश पर्वत पे खड़ा हूँ इस तरह से धक्का देगी तू मर जा तो ठीक ही है। देखा कितने प्यारे शब्द बोल लिए मेरे लिए, बावड़ी मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं अजर अमर हूँ, तुझको मार सकता हूँ। सुन ले जरा मेरी बात, मेरी भांग की सुन। जो भी है ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं तो गावे बड़ा जोर का है। अभी तो बगैर भांग के गा रहा हूं, जब भांग के गाना सुनेंगे तो जा तू भूल जाएगी चकड़ी। कह दे सुन ले जरा, कह दे रघुराज कति भी चढ़ी नहीं के, तू तो नकली भांग पिलारी से। अच्छा बोल, बिल्कुल बोल 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 दो, तुझे भी बोलना पड़ेगा। गोरा आज कति भी चढ़ी नहीं के, नकली भांग पिलारी से। सुने और नकली भांग ना भोड़े तेरी तो, नकली भांग ना भोड़े तेरी तो लिमिट ही बढ़ती जाती से। अरे नकली भांग ना भोड़े तेरी तो लिमिट ही बढ़ती जाती से। गोरा आज कति भी
मिला लिया थोड़ी 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 करके थोड़ी थोड़ी करके और शोक शोक में थोड़ी थोड़ी करके तू दस लीटर पे आ लिया और शोक शोक में थोड़ी थोड़ी करके तू दस लीटर पे आ लिया कद कद शोकी पिया करूं रितन पक्का नशेड़ी ला लिया और शोक शोक में थोड़ी थोड़ी करके तू दस लीटर पे आ लिया और शोक शोक में थोड़ी थोड़ी ये जो मेरे भक्त है ना नंदी हुआ भूत परेत हुए जितने भक्त है ये अगर 10-10 रुपए भी अपने जेब से अगर उभाई गेरेंगे तो भोले नाथ की डेली भांग आ जाएगी। तन्ने आज तक की जिंदगी में मुझे कुछ भी नहीं लाके दिया सच्ची। तुझे कुछ नहीं लाके दिया? बिल्कुल भी नहीं लाके दिया। सच्ची बता। सच्ची तुम्हें लग रहा है जी गौरा को कुछ नहीं दिया हो मैंने? एक बार हाथ उठाओ गौरा कोई हल्की फुल्की हो तो बताओ कितनी भारी भरकम गौरा बना रखी है मैंने। इसके खाने पीने का मैं कितना ध्यान रखता हूँ, इसके ओढ़ने पहनने का कितना ध्यान रखता हूँ। आपको सुने आधे तो बैठी माँ सुन आधे लाके दिए थे। अरे माँ की बाद में सुनिए पहले मेरी सुन। सुना आधे की आंखों में तो चमक लग रही है आगे तो तेरी तरफ देख भी नहीं रहे तेरे सितारे में जो ये सूट के सितारे ना गौरा ये बाजी बाजी की नजर में ऐसे लग रहे हैं बबूझे मत। तो बहुत ज्यादा तन्ना कौन से खरीद के दिए थे? मेरी माँ ने दिए थे दो बैठी थे। अरे चली जाऊंगी लेना आई माँ ने दिए थे। भाई साहब एक सच्चाई बात बताऊं इंसानों की कि जो आदमी की घरवाली होती है कभी आदमी की बड़ाई नहीं करती चाहे वो कितने ही कर ले दिन रात कमा के लाते घर भर दे पर कभी औरत अपने आदमी की बड़ाई नहीं करेगी। मैंने जो कुछ करवाया अपने पियर से करवाया। गौरा एक बात बता ये सूट जो है ये कहाँ से पहनते हैं? ये चूड़ी ये गुठी ये पैरों के यो गणेश नहीं तेरा है गोरा। हाँ आज से पहले मैंने ऐसी अपनी बेइज्जती नहीं देखी गोरा हमारी घर की बात। गणेश के पापा सच्ची में गणेश तेरा ही है। गणेश मेरा है मुझे नहीं लग रहा कहते अपनी बात सुन ले। गोरा के कह दू मन भांग तेरी बस इसी लागे सच्ची में ही बता रहा है बिल्कुल बेकार लगी आज की भांग। दोबारा कह तन्ने बस गोरा रखे कह दू मन भांग तेरी बस इसी लागे और मन ने तो रगड़े खूब लगाए कुंडी भी तेरी I'm not afraid of the dark.
खाऊं लड्डू पेड़ा ना मैं मिश्री मलाई ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा ना मैं मिश्री मलाई कुछ सही हो ते खोट के ला दे ना ओ गणेश के बापू जैसे नहीं ओ गणेश के बापू ओ गणेश के बापू दे दे ते भंग गुटबा ओ गणेश के बापू ओ गणेश की मम्मी ओ गणेश की मम्मी सुना दे खाली खाली लड्डू पेड़ा खाली ओ गणेश के बापू मेरे से भंग घुटवावे ओ गणेश के बापू मेरे से भंग घुटवावे अच्छा पूछ पढ़ लियो हाँ दस रुपए तेरी मम्मी दिखा रही तो दस रुपए में पूछ पड़ती होगी बावड़ी बड़े खर्चे लगे घर के तुझे क्या पता नमक जी अब ना हूँ बिल्कुल भी जा तू अपने घर जा अरे तो मेरा तो फायदा रहेगा फायदा तुझ जैसे चिलतरी से मेरा पीछा छुटा अरे मेरी माँ बैठी है सामने बेइज्जती मत करे सुन ले जरा मेरी पार्वती तन समझाऊं दूध दही चीनी में मिलावट भांग खरी कितने लाऊं दूध दही चीनी में मिलावट भांग खरी कितने लाऊं अरे छोड़ मिलावट भांग में करनी पार्वती री तन समझाऊं अरे दूध दही चीनी में मिलावट भांग खरी कितने लाऊं फोटो खींच रहा इसलिए अरे नहीं तुझे पता नहीं मैं तो ऐसे ही रहती हूं कल को ये सारे भक्त ऐसे ही शंकर भगवान और गौरा का फोटो अपने घर में लगा देंगे बावली इस तरह नहीं खड़े होते क्या दे सुन ले जरा मेरी बात हर जब भी कहूं मैं भांग घोटने ने क्यों तू छो में आवे से अरे प्रमोद सिंगल नशा बुरा भारत सरकार बता जब भी कहूँ भांग घोटन की क्यों तू छो मैं आवे से अरे फिर मुद सिंह
मंगल नशा बुरा भारत सरकार बता बिल्कुल छोड़ देगा कल बिल्कुल छोड़ दूंगा आज तो छिंक के पी लेते लोट पोट की अरे तू ना छिंके आज मैं बिल्कुल भी अच्छा ना तो जितनी दे दे वही थोड़ी है ऐसा नहीं कर क्या दे आज तो छिंक के पी लेते आज तो छिंक